अरे भाई, मेरा तो जो फोन है उसकी मेमोरी बिल्कुल फुल होती जा रही है और बहुत सारी डुप्लीकेट फाइल्स मेरे फोन के अंदर पड़ी है। बड़ी परेशानी है। और दोस्तों, इस परेशानी का मुझे पता है कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये परेशानी झेलनी पड़ती है। और दोस्तों, इस परेशानी का सॉल्यूशन इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग पूरी जिंदगी भर फोन यूज करते रहते हैं और बहुत सारी फाइल्स, फोटोज, ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती जाती हैं फ़ोन के अंदर और वो हमें कभी पता ही नहीं लगती। और दोस्तों, किसी के पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं है कि बैठ के अपना फाइल मैनेजर खोल के एक एक फाइल को चेक करे और डिलीट करे। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ यू कैन डिलीट डुप्लीकेट फाइल्स फ्रॉम योर फोन। और दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक स्टेप इसका ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 100% आप अपने फोन को फास्ट कर लोगे, स्पेस को बचा लोगे और मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, बता देता हूँ, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव मीडिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई, आप भी मेरे भाई बंधु हो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मेरा फोन भी पूरे टाइम भरा रहता है बहुत सारी फाइल्स से। और दोस्तों, वो फाइल्स हो सकता है कई बार रिपीटेड हो और कई बार मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड होती हैं। जैसे कि दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फाइल मैनेजर है मेरे पास और दोस्तों, फाइल मैनेजर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी फाइल्स हैं। आप ये देखिए, इतने सारे फोल्डर्स हैं और हर फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। और दोस्तों, मैं अगर बैठ के इसका क्लीनिंग करने लगूँ तो भाई, मेरे घंटे क्या, बहुत सारे घंटे बर्बाद हो जाएंगे और सिमिलरली दोस्तों, आपके भी बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, उसी चीज़ से बचने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली ताकि मैं अपने फ़ोन का स्पेस थोड़ा बचा सकूं और साथ ही साथ आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपको दिखाते हैं कैसे आप लोग अपने फ़ोन में से डुप्लीकेट फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, या फिर पिक्चर्स को डिलीट करने के लिए, या ऑडियो को डिलीट करने के लिए, या किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, आपको एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर डालनी पड़ेगी। दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है डुप्लीकेट फाइल्स फिक्सर एंड रिमूवर। दोस्तों, आप देख लीजिए इस एप्लीकेशन को और आप, कमाल की बात तो यह है, आप इसकी रेटिंग देखिए दोस्तों, 4.4 की रेटिंग है, 1 लाख प्लस रिव्यूज़ हैं, 10 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेंगी और आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फुल डुप्लीकेट स्कैन करना चाहते हैं, मतलब आप पूरे फ़ोन का स्कैन करना चाहते हैं इंक्लूडिंग ऑल द फाइल्स, या आप पहले डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना चाहते हैं, फिर पिक्चर्स, फिर वीडियोस और फिर ऑडियो को। तो भैया, मैं पहले आपको फॉर एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, मैं सब कुछ नहीं करके दिखाऊंगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो दोस्तों, स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, स्कैनिंग हो रही है देखिए आप, और स्कैनिंग होने के बाद अब इसने मुझे निकाल के दे दिए बहुत सारे डुप्लीकेट क्या, डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, इनवॉइस, तीनों सेम डॉक्यूमेंट है, सेम साइज के हैं और इसने निकाल के दे दिए हैं तीनों, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जो कह सकते हैं एक डुप्लीकेट फाइल्स हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इन सारी जो जंक फाइल्स कहते हैं इनको डिलीट कर देंगे सो दैट आपके फ़ोन के अंदर जो है स्पेस थोड़ा बन जाए। दोस्तों, इनको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, दो काम यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप इनको पहले बैकअप कर लें। तो दोस्तों, बैकअप करने के लिए, हाँ, बैकअप का ऑप्शन है, और दोस्तों, बैकअप करने के लिए आपको ये कहेगा एक और एप्लीकेशन डालने के लिए, वो दोस्तों आपकी चॉइस है। दोस्तों, यहाँ पे डिलीट नाउ का ऑप्शन है जिसमें आपको बताएगा इतनी फाइल्स डिलीट हो रही हैं और इतना स्पेस बचा है। तो दोस्तों, मैं इसको ओके कर दूंगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऐड सी आ गई और यहाँ पे इतना स्पेस क्लीन हो गया। दोस्तों, ये तो मेरे फ़ोन का था, मैं जनरली क्लीन करता रहता हूँ तो इसलिए मेरे में कम था, हो सकता है आपके फ़ोन में GBs में आप डेटा को बचा पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।